जाए आप पादरी बुजुर्ग, आप किसी भी बुजुर्ग पर जाए, आप वहां पर चादर पर अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा ये तय पाया है कि जमात सूफिया सूफियाए हिंद की एक जमात मुनज़्ज़म की जाएगी जिसमें खानकाहों को मजीद कारगर बनाया जाएगा और अहले सुन्नत वल जमात का हकीकी पैगाम इंशाअल्लाह तआला इस प्लेटफॉर्म से पहुंचाया जाएगा। ये काबिले मुबारकबाद इजलास है और अल्लाह तबारक व तआला इस तंजीम में कुव्वत बरकत और कामयाबी इनायत फरमाए। देखिए अल्लाह तबारक व तआला जब अपने रसूल सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया तो अल्लाह ताला ने सूरे आल इमरान में फरमाता है لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तहकीक के अल्लाह ने एहसान किया है अहले ईमान पर कि उनमें से एक रसूल को मबऊस फरमाया रसूल मिन अनफुसिहिम। क्या करते हैं वो रसूल तशरीफ लाकर, देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो काम है फरमाते हैं यतलू अलैहिम आयातिना, वो रसूल हमारे हम पर कुरान की आयतें पढ़कर सुनाते। देखिए रसूल पाक का काम बता रहा हूँ देखिए मेरे फर्जंद अल्लामा सैयद कामरान चिश्ती ने ख़िताब किया, उसमें तालीमात ये कि वक्त का ये तकाजा है कि उलमाए दीन की गुफ्तगू उलमाए दीन पे छोड़ दें और खवास की बातें अवाम में ना करें और तफरीक की कोई बात ना करें। जो हिंदुस्तान में इस वक्त हालात गुजर रहे हैं मुसलमानों के साथ, हमें यकजहती की ज़रूरत है। कलमे की बुनियाद पर हम सब एक जगह आ जाएँ और जहाँ अकीदे की बात है उसमें कोई हमारी तरफ से ज़र्रा बराबर भी अकीदे में डाइल्यूशन नहीं है। जो हमारा अकीदा है और जो इख्तलाफात हैं अहले बैत को लेकर, वो इख्तलाफ 1400 साल से थे हैं और ता कयामत रहेंगे। हम महब अहले बैत हैं, हम अहले तरीकत हैं, अजमेर शरीफ अहले सुन्नत वल जमात का मरकज़ है, था है और रहेगा कयामत तक। लेकिन जो इख्तलाफी मामलात हैं उसको अभी रहने दें। इस वक्त उम्मत का तकाजा ये है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, कलमे के नीचे आएँ और मुसलमानों की फलाह बहबूदगी के लिए और मुसलमानों की दिफा के लिए क्या कर सकते हैं वो करें और अहले बैत की मोहब्बत की अलग जलाएं हम अपनी। अजमेर शरीफ के अहले सुन्नत व जमात होने में किसी भी किस्म का किसी को भी कोई इख्तलाफ नहीं है। जितने भी अहले सुन्नत व जमात के अकाबरीन हिंदुस्तान में गुजरे हैं, बड़े बड़े नामवर मुहद्दिसीन गुजरे हैं, उलमा मशायख तक भी, सूफिया तक भी, जो हिंदुस्तान में किसी भी सिलसिले का हो, किसी भी सिलसिले का हो, हत्ता के कादरी, रिफाई, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, मदारी, वारसी, कोई भी हो, वो अपना मरजा और अपना मरकज़ गरीब नवाज के आस्ताने को मानते थे, हैं और कयामत तक मानते रहेंगे। यही ईमान हमारा है और इसी पर हमारा खात्मा हो। तो हमारा मकसद यहाँ पर प्रोग्राम रखने का जो है किसी के पास इख्तलाफ करना नहीं था। हमारा मकसद जो है अहले सुन्नत वल जमात और तमाम मिल्लत इस्लामिया को एक जा करके इकट्ठा करके तमाम को इत्तेहाद की बिना पर जमा करना है। और हमारा जो सूफिया इकराम का जो मैसेज है इत्तेहाद और यूनिटी, वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रुकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फिरकों में ना बटो। इस बिना पर सैयद सरवर चिश्ती साहब ने एक तंजीम शुरू करी है, उसका नाम है सूफी व मिल्लत इत्तेहाद तंजीम। इस तंजीम के बिना पर हजरत चाहते हैं कि जितने भी हमारे दूसरे मसलक के लोग हैं, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, तमाम को एकजा किया जाए और मिली कामों में तमाम का साथ दिया जाए और इंशाल्लाह जो हाल
मामला और रवैया यहाँ पे हिंदुस्तान में बन रहा है उसके मद्देनजर तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और हर दरबारों से आई हुई उन सबको भी हमें उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारा जो फर्ज है जो शहर बेंगलोर के अंदर तकीश अली रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जो लोग सब अल्लाह वाले आए हुए हैं हमें भी खुशकिस्मत है जो भी उन्होंने आए उनके उनके बदौलत सबको भी सब हमारे साथियों को और सबको भी जितने भी हमारे उर्दू चैनल वाले उन सबको भी उनको सबको भी अल्लाह ताला उनको गैब से उनके इंतजाम करने के लिए हमें उनसे दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी डेवलपमेंट करे दे इनके पूरे जितने भी चैनल हैं उनको भी अच्छा डेवलपमेंट हो दे उनको भी कामयाबी से कामयाब बना दे जेएससी बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह वो जेएससी के सादात और मशाखन का जो जेएससी ऑल इंडिया का उसको अनाउंस करने जा रहे हैं ताकि सादात और मशाखन के बच्चों को और पूरे सारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हैं लोगों को आगे लाना है और ये सादात के जो कार्रवाई है तो जो आजकल जो चल रहा है तो ऐसे ऐसे सुनियत में जो ऐसे मुलाफत आ रहे हैं तो उसको सादात की तरफ से मुकाबला करने के लिए ऑल इंडिया का एक कमेटी एक फॉर्म करने जा रहे हैं तो ऐसा जैसा सुनती के जो इसमें है तो ग्रुपा बन रहे हैं अलग अलग इसमें ताकत बनाने के लिए जो हमारे जो बच्चे हैं हमारे जो खानदानी हैं तो उनको खाना खान को बाहर लाने के लिए ऐसी जो तरबियत करने के लिए ऑल इंडिया में कमेटी बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह जेएससी बनेगी जॉइंट एक्शन कमेटी और इसके जो चीफ कन्वीनर है नूर बाबा और हम सूफिया हिंद उसकी कमेटी और जॉइंट एक्शन कमेटी वो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है उसके अंदर इसके बारे में पूरा एक तफसील मालूमात आ जाएगी आपको ही निज़ाम को मजबूत करने के लिए जमात सूफिया अल हिंद बनाया गया और इसमें सरवर चिश्ती साहब आए क्योंकि अजमेर शरीफ की दरगाह तमाम दरगाहों के लिए मरकजी मुकाम रखती है इसके लिए उनको बुला करके अहल बैत को की शान और शौकत को बयान करने के लिए और तमाम मुसलमानान आलम को तमाम मुसलमानान हिंद को एक और नेक और एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए और मोहब्बत और आशती को एक साथ रखने के लिए ये इजलास मुनाकिद किया गया है।